विक्टर जायसवाल गुड मॉर्निंग। ये क्या होता है? तो मुंह से बोलो, भगवान ने इतना बढ़िया थोपड़ा दिया हुआ है। देखिए नूडल वाय है, पनीर की सब्जी है, कचौड़ी है, पुलाव है, मेरा बर्थडे है। अभी लिपटी रहती है अपने पोजीशन में। इसका छोटा टुकड़ा कपड़े का जो बचा था सारा खींच लो। रे सब आप मिट्टी का मरे लाओ बाबू को। गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे आप सब लोग? आज है 21 मई, तो स्वागत है अमित एंड किट्टो जायसवाल के यूट्यूब चैनल पे। और आज बहुत ढेर सारी खुशियाँ आई हैं हमारे परिवार में, बहुत खुशियाँ आई हैं। इतनी खुशियाँ आई हैं कि हम लोग आपको बता नहीं सकते, लेकिन आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। इस ब्लॉग में आपको बहुत इंटरटेनमेंट आज मिलने वाला है। आज ऋषभ का बर्थडे है, आज हम लोग क्या दिन भर चीज़ें करेंगे वो सारी चीज़ें आज के ब्लॉग में दिखाएंगे। और इतनी ढेर सारी खुशियाँ किस चीज़ को लेकर के हमारे परिवार में है वो सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बगैर वीडियो को स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन प्यार पूरा देना दोस्तों, प्यार में कोई कमी मत देना। प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा मोहब्बत भरा कमेंट देकर जरूर जाइएगा। आइए चलिए देखते हैं कि आज दिन भर की हलचल क्या होती है। जैसा कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा था, हम लोगों ने रात में ऋषभ को बर्थडे विश कर दिया था, और आज के ब्लॉग में तो ऋषभ छाया रहेगा पूरे ब्लॉग में। ऋषभ ऋषभ क्या कर रहे हो? शुरुआत ऋषभ से करते हैं क्योंकि ऋषभ का बर्थडे है। बोलो हाय, सबको बोलो हाय। आज तुम्हारे बर्थडे को सब लोग बहुत विश कर रहे हैं, बोलो हाय। हाय करो, हाय। अभी ऋषभ सो के उठा है तो ऋषभ बोलने के मूड में नहीं है। जब ऋषभ बोलने के मूड में होगा तो मैं चोरी छुपे उसका वीडियो शूट करूंगा। आइए किचन सेक्शन में चलते हैं, देखते हैं कि हमारी दोनों महिलाएं आज क्या कर रही हैं। और घर की गृहणियां किट्टो जायसवाल गुड मॉर्निंग। ये क्या होता है? तो मुंह से बोलो, भगवान ने इतना बढ़िया थोपड़ा दिया हुआ है। अखिया मत दिखाओ, आज क्या बनाओ ताली हो? पपीता का रस। पपीता का रस तो तुम अपने लिए बना रही हो। तो गाइज आप लोग को पता है किट्टो को टाइफाइड हुआ था, तो पपीते का रस वो डेली पी रही है, उससे वो जल्दी स्वस्थ हो रही है। और बेहतरीन चाय यहाँ पे रख दी गई है। और किट्टो ये खुद रही। और क्या क्या बनेगा आज बाबू, क्या क्या बनेगा आज खाने में? क्यों बताऊं, अभी वीडियो के अंत लगे रहेंगे, वीडियो के अंत बताएंगे। लड़की मेरी खिलाड़ी है, खिलाड़ी है। अच्छा अभी नूडल बनाने जा रही किट्टो। तो गाइज आज दिल्ली का वेदर बहुत बढ़िया है, देखिए आप लोग मौसम बढ़िया छमाछम। और बिल्कुल देखिए सड़क एकदम गीला हुआ पड़ा है क्योंकि बारिश बहुत हुई थी। तो भाभी जी, ओ भाभी जी कहा यार ब्रसवा रगड़ रही हो सुबह सुबह के, भगवान ने इतना बेहतरीन दांत खुल दिया हुआ है। अभी नहीं बोलेंगे भाभी जी ब्रश कर रही हैं। तो दोस्तों आज जुड़े रहिएगा आज के ब्लॉग में। आज तो धमाल ही धमाल होगा, डेकोरेशन होगा, बर्थडे सेलिब्रेशन होगा और पता नहीं क्या क्या होगा। और क्या क्या खुशखबरी है, किस किस चीज को लेकर इतनी ढेर सारी खुशखबरी है। मैं क्यों बताऊंगी, मैं अपने में करूंगी। तुम अपने में करूंगी? मेरा चीज मैं दोस्तों आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरी। मैं अपनी क्यों बताऊं, मेरी क्या, हमारी और आप सब लोग के प्यार और मोहब्बत से इतनी बड़ी अचीवमेंट हमको मिली है। तो बने रहिए ब्लॉग में। और तो हमारा नूडल बन के आ गया है और हम लोग चल रहे हैं नूडल खाने। मुंह में पानी देख करके आ रहे गाइस, देखिए नूडल वाय है। किट्टो ने देसी स्टाइल बनाया, लेकिन लुक वाइज आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा। एंजॉय द नूडल, मिलते हैं कुछ देर के बाद। तो दोस्तों हमारे घर में कुछ स्पेशल फंक्शन होता है या कुछ स्पेशल डेज होता है तो कचौड़ियाँ जरूर छनती हैं। कचौड़ियाँ छन नहीं है, किट्टो रानी कचौड़ी छान नहीं है। किट्टो रानी बाबू कितनी कचौड़ियाँ और छाननी है? वेरी गुड वेरी गुड। किट्टो कचौड़ियाँ छान रही बेहतरीन तरीके से और मैं उधर घर की सफाई झाड़ू पोछा कर रहा हूँ। झूठ तो मत बोलो अभी। हाँ बाबू झाड़ू पोछा करने जा रहे हैं। करने जा रहे हो? कर नहीं रहे हो? कर रहे हैं बाबू, आपको करने नहीं देंगे, टेंशन मत लीजिए। इधर तो देखें एक बार, स्माइल कर दीजिए। पानी अभी को आया है, हम कह के साला पानी की वजह से खाना भी नहीं बन पाएगा। हम कह कचौड़ी छान लेते, बच्चे भूखे हो। सही बात है, कचौड़ी तो। देखते हैं हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। इधर कपड़े वपड़े भी धुले जा चुके हैं, पानी बेहतरीन तरीके से आ रहा है। अब मैं घर की सफाई करने जा रहा हूँ, सारा कुछ फैला हुआ है। ऋषभ अपने टाइम में लगा हुआ है, उसकी सुनाची अपने में लगी हुई है। चलिए तो तक सफाई करते हैं।
समय बहुत तेजी से बीतता जा रहा है और बज चुके हैं 3:30 और 3:30 बजे मैं करने जा रहा हूँ लंच, क्योंकि हम लोग सुबह से कभी इधर साफ सफाई ये सब काम लगे रहते हैं। और देखिए किट्टू रानी हमारे लिए क्या लेकर के आई हैं, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। पनीर की सब्जी है, कचौड़ी है, पुलाव है और सेवैयाँ हैं। किट्टू रानी ये सब खाना नहीं है, जाओ सुबह से लगी हुई हो ना, घर में कुछ होता है तो भाई सब बिजी रहते हैं। तो दोस्तों मैं लंच करता हूँ, फिर मिलते हैं आपको कुछ देर के बाद। A few moments later, ये जो मैं केक ले रहा हूँ किसके लिए ले रहा हूँ ये आप लोग को नहीं बताऊँगा, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, बहुत बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए, जुड़े रहिए हमारे इस ब्लॉग में। और केक क्यों ले रहा हूँ, किसके लिए लेके जाऊँगा, देखिएगा आप लोग, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। और दोस्तों मैं अभी केक ले चुका हूँ, तो मैं केक ले करके और कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर के ऋषभ वगैरह के लिए निकलने वाला हूँ यहाँ से, जुड़े रहिए हमारे साथ। आज ऋषभ का बर्थडे है तो ऋषभ बहुत खुश है, तैयारियाँ चल रही जोरों शोरों से। ऋषभ कैसा लग रहा है बर्थडे? अब ऋषभ नहीं बोलेगा। ऋषभ आज तुम्हारा बर्थडे है तो कुछ क्या गिफ्ट लोगे तुम? हाँ मेरा बर्थडे है। तुम्हारा बर्थडे है, चॉकलेट लोगे और क्या लोगे? थैंक यू। इतना ढेर सारा बैलून ऋषभ का है क्या? हाँ ऋषभ लो चलो हम जा रहे हैं वीडियो एडिट करने, जाएं? अपने बैग में रख लो। अपने बैग में रख लो, किसी नहीं दोगे? इतना ढेर सारा बैलून किसका है? मेरे हमदम मेरे साथियों डेकोरेशन स्टार्ट हो गया है और हैप्पी लिखा जा चुका है, बर्थडे लिखना बाकी। क्यों ऋषभ? ऋषभ ये क्या है? अब देखो ऋषभ नहीं बोलेगा, ये दो ये फल। ऋषभ जहाँ देख लेता है कैमरा ऑन है वहाँ इसका मुंह शांत हो जाता है। ए फॉर एप्पल, इसको पता है ए फॉर एप्पल देना है ना ऋषभ? भाभी जी बैठी हुई हैं एज यूजुअल, जैसे भाभी जी लेटी रहती हैं अपने पोजीशन में। क्या करें हम थकते बहुत हैं जी, पता नहीं कोई ऐसा दवाई कोई बता दे जो खा के हमारे शरीर में ना। फाइनली हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी पूरी हो गई है। बैलून ब्लू वाला भाभी जी की पसंद थी, ब्लू ब्लू उन्होंने आता ड्रेस पहना हुआ है। ऋषभ का केक बन के एकदम सच के तैयार है, फोटो खींच लो फटाफट। हैप्पी बर्थडे माय बेटा माय सन माय ऋषभ। ऋषभ को देखो बिल्कुल तैयार रखा है, इधर देखो हाथ नीचे कर, हाथ नीचे। किट्टू जी को देखिए आप लोग, कैसी लग रही है हमारी आज तो जेब्रा लग रही है। मैं तो जब रहा है रे जब रहा और इसका छोटा टुकड़ा कपड़े का जो बचा था सारा खींच लो। जो टुकड़ा बचा था वो मैं बोली सुना दी, टुकड़ा नहीं 500 550 का ड्रेस और बाकी टिकम रे। पता है सोनाक्षी, सोनाक्षी का ना किट्टू मौसी की तरह दम बनना पसंद है। नहीं पहले सोनाक्षी का ये ड्रेस आया था, फिर इसे मैं ऐसे ये भी बना ली। आजकल किट्टू के फैशन का, सोनाक्षी के फैशन का किट्टू कॉपी करती है। सोनाक्षी का जो देखो यहाँ जो गायब था ना, मैंने यहाँ देखो फूल लगवा लिया। सोनाक्षी फूल कहाँ से लेके आई यार, तुम्हारे बहुत अच्छा लगा। ये मेरे बर्थडे पे दी थी। दोस्तों मैं भी किट्टू को टक्कर देने के लिए व्हाइट शर्ट और ब्लैक हाफ पैंट में तैयार हूँ मैं। आप लोग को मेरा लुक कैसा लग रहा है? ये घर वाला लुक है एकदम, ठीक है। बर्थडे बन के एकदम तैयार है और मेरा बेटा ऋषभ आ जा, ये तो चाचा की जान है। हमने ऋषभ का बहुत अच्छा अच्छा फोटो खींचा है, ये घर चुप रहा है क्या? हमने ऋषभ का बहुत अच्छा अच्छा फोटो खींचा है आप लोग। ये ऋषभ का शूट इससे करेंगे तो देखो पता नहीं कौन सा लेंस चेंज करने जा रहे हैं। अरे सोनाक्षी हटो, ऋषभ इधर देखो। ये रहा ऋषभ का केक और ऋषभ जाओ उधर जाओ, उधर से सही है, उधर दक्षिण नहीं है। अभी चलाए सोनाक्षी दे शूट कर, हम बाबू केक कटवा जल्दी से। मैं चलाऊं बेटा, केक तैयार है। ये कैमरा मैन लेके चलो, टीका उनका लगा लो बर्थडे। अरे तो हम ये देखो कोई हमको भी लेने देगा, इधर हट। बाबू को हम टीका लगा रहे हैं, बाबू के सर के ऊपर हमने हाथ रख दिया है। चलो उधर पीछे हो गया अंगना जी, इसको टेबल वर्क और पीछे कर लो ना, ताकि इधर फोटो तो खींचने में सही रहे। हाँ अब ये हमारे हस्बैंड जी अगर मतलब मोमबत्ती जला रहे हैं, अरे एक बार ऐसे करके करो ना, करो ना करो ना।
ये देखो आरती ले रही हैं। ओम जय जगदीश हरे ऋषभ जी ऋषभ पुको विश यू हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये सब कंपनी खिलाए पहले। ओ ये सब इतना बड़ा मुंह सोनाक्षी इधर परेशान है और इधर कैमरा वीडियो बनाती है ना फोटो में। अरे वॉल्यूम कोई नहीं पड़ा, एक वॉल्यूम हम खोल लेते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू ऋषभ का बर्थडे टू यू। लगना चाहिए ये थोड़ा सा ऋषभ ऐसे ऐसे प्यार किट्टो जा रही है ऋषभ जी को खिलाने। हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरा मोबाइल सुना ची मुझे क्या पता। पीछे देखो दोनों लोग सामने देखो पीछे पर्दा खींच दो। ये बेचारे तो कैमरामैन बन के खड़े हुए हैं, ये तो फोटो तो भी नहीं ले पा रहे हैं और आप लोग हमको भी नहीं हाँ, 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 खिला दिए तो पति देव बाकी थे तो इनका ही बाकी था। वे खिला रहे हैं जी खिला। अम्मा से कैसे खिलाया खिलाओ बाबू को। तो हम बताए लाल बटन दबा देखो। ओह माय गॉड ऐसे जूम करके खींचना है पक्का। मैं जोर नहीं कह रही हूं। जा जाओ भतीजा ये देखिए हम लोग आ गए फोटो खिंचाने के लिए। पा रहे हैं मेरा शूट कर रहे हैं तो मैं ऋषभ को फिर से दे रही हूँ चॉकलेट। ये किटकैट और ये देखिए मैंगो बाइट है। ऋषभ विश पहले किसी दो पहले किसी दो तब देंगे तो नहीं देंगे तब दे दो छूट है दे दो ये लेना है लो दो ऋषभ का पूरा ध्यान चॉकलेट पे जाने दो नहीं देगा तब पर भी दे रहे हैं। लो विश हैप्पी बर्थडे लो थैंक यू लो ऋषभ ये फिर तो मेरे तरफ ये भी लो ये भी ले लो। ये रहा हमारा आज 25,000 यूट्यूब पे हो गए हैं तो इसकी खुशी में आज ऋषभ ने अपने बर्थडे का केक काटा और मैं अपना ये 25,000 का केक काटूंगी। अगर ये ब्लॉग देखना होगा तो किट्टो ब्लॉग्स पे देखना होगा पूरा वीडियो मिलेगा उस पर। तो आज हम बहुत खुश हैं और थैंक यू सो मच फैमिली कि आप लोगों ने हमारा इतना सपोर्ट किया इतना प्यार दिया कि हमारे यूट्यूब पे 25,000 हो गए। वाह क्या बात है वो भी ऋषभ के बर्थडे वाले दिन। तो पति देव को भी फुल सपोर्ट कीजिए कि कम से हमारे उस वाले चैनल पे 1,00,000 ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए बहुत जल्दी हो जाए। तो हम चल रहे हैं अपना केक काटने का ब्लॉग देखना है तो आ जाइए किट्टो ब्लॉग पे। फैमिली आप लोगों ने देखा किट्टो ने अपना सेलिब्रेशन किया और ऋषभ ने अपना सेलिब्रेशन किया। ऋषभ का बर्थडे था और किट्टो का 25,000 यूट्यूब फैमिली पूरा हो गया आज। तो अभी और क्या सेलिब्रेशन है मैंने जो जैसा कि ब्लॉग में बताया था शुरुआत में बहुत सेलिब्रेशन है बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी है। वो सारी खुशखबरी मेरा क्या सेलिब्रेशन है मुझे किस बात की इतनी बड़ी खुशखबरी है मेरा क्या। तो सारी चीज़ें कल वाले ब्लॉग में आएंगी क्योंकि आज का जो ब्लॉग है ना बहुत बड़ा हो गया है। कल ब्लॉग में आपको बहुत ढेर सारी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। तो इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। कल देखिएगा क्या क्या खुशखबरी है। चलिए बाय बाय।